हेलो बच्चों, मैं मुकेश, आपकी हिंदी अध्यापिका, एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा तीसरी का पाठ तीन, शब्द। मैंने पहला प्रश्न कराया था का भाग, अब मैं खा भाग करा रही हूँ। प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। नंबर एक है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बिल्कुल सही है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, इस पर आप सही का निशान लगाइए। दूसरा है, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। बिल्कुल सही है, जब शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वह पद कहलाता है, इस पर आप सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्द के 9 भेद होते हैं। ये गलत है, अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, इस पर आप गलत का निशान लगाइए। इससे अगला है, सार्थक शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। सार्थक का मतलब होता है बेटा अर्थ का बोध कराने वाले, तो सार्थक शब्द तो अर्थ का बोध कराते हैं, ये गलत है, इस पर आप गलत का चिन्ह लगाइए। अगला है, चिड़िया एक निरर्थक शब्द है। मैंने आपको बताया था कि निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि चिड़िया एक पक्षी का नाम है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इस पर आप गलत का निशान लगाइए। अगला प्रश्न है, ग सही मिलान कीजिए। शब्द को आप मिलाइए। शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों का समूह। इसके बाद है पद। पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द। सार्थक शब्द होता है अर्थ का बोध करा जो कराते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, तो आप सार्थक शब्द को से मिलाइए। और निरर्थक शब्द होते हैं कोई अर्थ जिनका नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर कराए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अपने फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करने हैं और याद करने हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।